उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जन्मदिन पर पोस्टरबाजी जन्मदिन न करने की अपील की थी। वहीं शुक्रवार को राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का सादगी के साथ जन्मदिन मनाया गया। दीनाबामा पाटिल सभागृह भांडू पश्चिम में जहां भाजपा युवा नेतृत्व तो महामंत्री कौशिक पाटिल द्वारा शैक्षणिक शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद थे। इस दौरान पूर्व नगर सेविका जागृति प्रतीक पाटिल भी मौजूद रही और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जन्मदिन की बधाई दी। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, आज इनका बर्थडे है, तो हम लोग ने वो हिसाब से हम लोग के जो ईशान्य मुंबई के खासदार हैं माननीय मनोज भाई कोटक जी, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से शैक्षणिक दाखला जो शासन के तरफ से वो आज आयोजित किया है, बर्थडे का बैनर लगाओ ये सब देवेंद्र जी ने हम लोग को स्ट्रिक्टली बोला है कि बैनरबाजी मत करो, कुछ सामाजिक प्रोग्राम लो कि वो संदेश अच्छा जाएगा और लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। कार्यक्रम किस तरीके का सामाजिक ये हम लोग ने इसमें उत्पन्न दाखला जो इसका जो भी डोमेसाइल सर्टिफिकेट जो अभी कॉलेज के लिए लगता है, ज्येष्ठ नागरिक का सर्टिफिकेट है, ज्येष्ठ नागरिक का कार्ड है, जो हम लोग फ्री में दे रहे हैं, जो भी उसका खर्चा है वो हम लोग कर रहे हैं, पर शासन के तरफ से हम लोग आज सबके लिए फ्री रखा है। अभी 11 बजे 11:30 बजे स्टार्ट हुआ है, 3 बजे तक है, अभी तो 50 का आंकड़ा हो गया है। हम लोग का ऐसा है कि 200-300 तक जाना है, बट टाइम के हिसाब से जितना लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जितना सहभागी होंगे, उतने लोगों के लिए उतना लाभार्थी मिलेंगे। देवेंद्र फडणवीस जी के बर्थडे के जन्मदिन के महोत्सव पर आज सभी जगह कहाँ हेल्थ कैंप है तो कहाँ हम लोग ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट वाटप का प्रोग्राम, फिर ज्येष्ठ नागरिक कार्ड का वाटप का प्रोग्राम, ऐसा हम लोग ने एक प्रभाग 116 की तरफ से यहाँ पे लिया है। भांडुप में हर एक प्रभाग में अलग अलग जगह पे अलग अलग हेल्थ कैंप से, ये है ब्लड डोनेशन कैंप से, हर जगह प्रोग्राम कुछ ना कुछ है लोगों का, जिससे फ़ायदा ही होगा। जो हमें देवेंद्र जी की तरफ से आदेश आए गए थे, हम सभी लोग उसका पालन कर रहे हैं, इतना ही कहूँगा। और देवेंद्र जी को जन्मदिन के बहुत सारे शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ईशान्य मुंबई के खासदार मनोज भाई कोटक के नेतृत्व में और हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, जिनका आज जन्मदिन है, और उस जन्मदिन के एक कारण लेकर जागृतिताई पाटिल और कौशिक पाटिल जी ने जो ये सेवा कार्य किया है, उत्कृष्ट काम किया है उन्होंने। अगर कोई अपने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई कहता है कि किसी ने काम किया है उनके विभाग में, तो वो है जागृति पाटिल, कौशिक पाटिल। और जो भी काम पक्ष का आदेश रहा, उन्होंने वो सेवा कार्य में
अपने आप को बताया कि कैसा काम होना चाहिए, ऐसा करके बताया। मैं उन टैक्स की बात करें तो टैक्स को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, आंदोलन में विरोध पार्टी बताया भारतीय जनता पार्टी ने है जानू के गैस को आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 में 282 सीट से जीती और 2019 में 303 सीट से जीती, यही उसका जवाब है। जनता जनार्दन हमारे साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, इसके बारे में कोई आपको शंका नहीं होनी चाहिए। और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी इच्छा देश हो। अरे जो देश का मुद्दा हो रहा है इसको किस तरह से हल किया जाए, और बाकी जो है कांग्रेस पार्टी का कहना है, समाजवादी पार्टी का कहना है कि अगर इस तरह इसी तरह से अगर टैक्स बढ़ता जाएगा तो लोगों को जो है काफी दिक्कतें आगे चलती हैं। ये भ्रम फैलाया गया है, आपने देखा कि कल के तारीख में कितने क्रॉस वोटिंग हुआ है, 64%। अगर हमारे संख्या होता है राज्यसभा और लोकसभा में 440 के करीब और हमें वोट मिला है 540, 64%, तो उनके जो जनप्रतिनिधि चुनकर गए, कांग्रेस के बोलो, सपा के बोलो, जो अन्य पक्ष है, जो विरोधी पक्ष है, लेकिन हमारे साथ ही वो खड़े हैं, तो उनको पता है पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी और भारत को आगे लेके जाने वाली है। धन्यवाद।